पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। पीओके के लोग महंगाई और पाकिस्तान सरकार की बेरुखी से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने सरकार और सेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस हंगामे को शांत करने के लिए पाकिस्तान सेना ने हर हथकंडे अपनाए। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए और कई घायल भी। बावजूद इसके पीओके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालात ये है कि पीओके के लोग जम्मू कश्मीर के विकास का हवाला देकर भारत में शामिल होने की इच्छा जताने लगे। जब ऐसी स्थिति बनी तो शाहबाज सरकार के होश उड़ गए। शाहबाज सरकार ने पीओके के लोगों को कई तरह की रियायतें दी, लेकिन इसके बावजूद पीओके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब इस खेल में पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुल्लाओं की एंट्री हो गई। दरअसल हुआ यह कि पीओके में एक बार फिर से हड़ताल का ऐलान किया गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार बातों और बंदूकों के दम पर इस हड़ताल को दबाने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। ऐसे में अब उसने देश के कट्टरपंथी मौलानाओं को इसका काम सौंप दिया। पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथी मौलानाओं की रैलियां आयोजित करवा रही ताकि आम लोग उनकी बातों में आकर हड़ताल ना करें। ऐसे ही एक मौलाना है साद हुसैन रिजवी। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक का मुखिया साद हुसैन रिजवी भी पीओके पहुंचा हुआ है। ये वही साद हुसैन रिजवी है जिसका दिया नारा सर तन से जुदा भारत में भी सुनने को मिलता रहा है। पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वालों में साद की अच्छी पकड़ है। इसी का लाभ पाकिस्तानी सेना और सरकार उठाना चाहते हैं। साद अपनी रैलियों में फिलिस्तीन और कश्मीर की बातें करता रहा है। साद अपने एजेंडे के जरिए पीओके के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वो कट्टरपंथी एजेंडे के तहत फिलिस्तीन और कश्मीर की बात करके पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। इसके लिए वो स्वांग रच रहा है जिसमें से एक है घास खाना। पीओके में हालात ये है कि पाकिस्तान का झंडा तक कोई लगा नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी सेना अगर झंडा लगा दे तो कुछ ही देर में उसे उतारकर फेंक दिया जाता है। पीओके के लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और चीन पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपैक को लेकर नाराज है। यही वजह है कि पीओके को पहले सरकारी रियायतों से लुभाने की कोशिश हुई, फिर सेना की गोली से डराया गया। अब कट्टरपंथी मौलानाओं को भेजकर धर्म के नाम पर भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है।